अंकल आराम से पीछे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ठीक है? नहीं मेरे घर टक्कर है। कोई नहीं, टक्कर टुकर कोई, दारू भी रखी है अंकल। गाइस देख लो यहाँ पे इंजीनियर साहिब मुआयना करते हुए, टाइल्स का ना देखना बैकग्राउंड पसंद आ रहा है इसको भी। यो पसंद आ रही है तेरे को? नहीं आ रही, बेइज्जती ना करा कर यार। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आज है 24th of December है और कल क्या है, क्रिसमस है। तो सब आप सबको मैरी मैरी क्रिसमस गाइस। और क्या है, आज एक शुरुआत होने जा रही है, आज मतलब शुरू हो रहा है, आज से काम शुरू हो रहा है पार्क का। मम्मी और आ रहे हैं, मम्मी ने खाना बना लिया था, लेबर को चाय वगैरह देनी होती है और पापा भी चल रहे हैं, तो आज से पार्क का काम शुरू कर रहे हैं। कुछ आइडियाज हैं मेरे माइंड में भी हैं जो लेके चल रहा हूँ, कुछ गूगल पे भी देखा था। थोड़ा सा ना क्या है, स्मॉल साइज में है तो उसके लिए ना लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर आपको पसंद ना आए या कुछ भी ऐसा, क्योंकि अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करूंगा बट फिर भी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा साइज भी मैटर करता है यार। चलते हैं निधि के घर पे और काम शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करवाते हैं, फिर क्या है न्यू ईयर तक मैं चाह रहा हूँ कि पूरा प्रॉपर हो जाए, उससे पहले ही हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ कितना काम हो चुका है और क्या क्या रहता है, और आज से पार्क का काम शुरू हो जाएगा। आप चल सकते हो ना इस पे टाइल पे? तो मैं अरे वो ठीक है, तो देख लो गाइस इन्होंने फिनिशिंग के लिए ये भी भर दिया है, जहां जहां गैप था ना पूरा कंप्लीट कर दिया। और टाइल देख लो यार बढ़िया, इसमें मतलब बैकग्राउंड आएगा, बैकग्राउंड बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। मतलब क्या है, अब कभी लाइव आना होगा ना तो लाइव यहीं आके आया करेंगे। और ये हो चुकी हैं सारी टाइल्स पूरा और प्रॉपर, जो आपने बोला ना ये पाइप वगैरह है, तो पाइप का देखो मैंने सीमेंटेड करवा दिया यहाँ तक पूरा करवा के, इस पे अपन पेंट कर देंगे कोई मतलब मिलता जुलता ही ग्रेश सा कुछ, मतलब बढ़िया लगेगा। और जो एक चीज आपने बोली थी, ये पाइप कवर हो चुका है, और दूसरा आपने जो बोला है ना वॉशिंग मशीन के लिए, तो देख लो यहाँ पे इसकी निकासी बनवा दी है, यहाँ पे कॉर्नर पे वॉशिंग मशीन लग जाएगी, और उसका कोई प्लग व्लग है वो एक्सटेंशन से देख लेंगे जैसे वो पड़े हैं। और इसमें पानी का वो एग्जिट हो गया, इसमें से पानी ना फ्लोर पे नहीं आएगा, और ये लेवल भी थोड़ा है ना कर्व दिया है, आप ध्यान से स्लाइड देख पा रहे होंगे, टाइल थोड़ी सी नीचे आ रहा है कि पानी अगर इकट्ठा हो एक ही जगह पे इकट्ठा होगा और इसमें से सारा चला जाएगा। इंजीनियर साहिबा मुआयना करते हुए, ये वाली जो दीवार है ये वाली, ये पूरी यहाँ तक खींच देना जो डिवाइडर है, हाँ ये जो एंड है ना यहाँ इस पॉइंट तक, यहाँ तक हो जाएगी। और उस साइड से भी सेम उतना ही ले लेना जो ये एरिया है, और उसके बाहर ये एक बाउंड्री बना देना, दो दो तीन तीन ईंटों की, मतलब एक डब्बा सा बन गया तैयार हो गया, उसके अंदर अपन कर लेंगे लेवल बराबर करके, ये पूरा एक वो हो जाएगा ट्रैक हो जाएगा चलने का, वो सीमेंटेड होना चाहिए पक्का, मिट्टी विट्टी ना जाए। और उसके ऊपर मैं ग्रिल्स लगवा लूंगा छोटी हाइट करके, चाहे वो ब्लैक कलर की या फिर क्रोम में जो भी होता है। एक बार के लिए आप ये शुरू कर दो, ये बराबर लेवल करके उसके ऊपर फिर मैं ना आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह घास वगैरह वो देख लूंगा एक बार बस। और ये ट्रैक है उसके लिए टाइल वगैरह देख लेते हैं, हाँ उसी साइड रखेंगे। और यहाँ पे एक गेट हो जाएगा, एंट्रेंस यहाँ से हो जाएगा सीधा, हाँ। बिल्कुल सीधा एक गेट यहाँ लग जाएगा और बाकी पूरा बंद हो जाएगा, फिर वो झूले बुल्ले जो भी लगाने हैं वो हो जाएगा। आपको एक बार पीछे का दिखा देता हूँ, पीछे का क्या प्लान कर रहे हैं, पीछे का थोड़ा सा ना अभी क्या प्लान तो कुछ कर रहे हैं पापा, मतलब जूस निकाल रहे हैं। आपको पहले बोला था ना कि यहाँ पे भी टाइल्स लगेंगी, बिहान नहीं बेटे बिहू रुक जाए यार, यहाँ पे पूरा टाइल्स लगेंगी, और ये जो है ना रैंप रैंप तोड़ के यहाँ पे भी टाइल्स, मतलब पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। नहीं एक काम नहीं करने दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ टाइल्स का, इसका कुछ जुगाड़ करता हूँ, विहान को ना इस पे बिठा देता हूँ, ये काउच सा बना रखा है काउच, इसके साथ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, गिरेगा भी नहीं ते पटक बिहू पटक। इसका देखना यार मैंने ठिकाना सा बना दिया यहाँ पे, पूरा फ्लफी फ्लफी सा है, और यहाँ से मैंने पकड़ रखा है बिहू, एक पैर में जूता है एक पैर में नहीं है बिहू, मस्ती कर रहे हैं सही में। टाइल्स का ना देखना बैकग्राउंड पसंद आ रहा है इसको भी, व्यू पसंद आ रही है तेरे को? नहीं आ रही, बेइज्जती ना करा कर यार, व्यू पसंद आ रहा है टाइल है, व्यू पसंद आई टाइल तेरे को? अबे तू बोलना कब शुरू करेगा है? देखना ऐसा इसका कुछ बनवाऊंगा यार, निधि का जो पीछे वाला रूम है ना सोच रहा हूँ उसमें नीचे गद्दा सा बड़ा सा जो डनलप के आ जाए वो बना के, एक ऐसा रूम जिसमें मतलब ना स्पेस भी बन जाए कि फर्नीचर ना हो और बस नीचे बैठ के आराम से वो कर सके। यार गंदा गंदा दिख रहा है शूज, वीहू मत खोल फिर गुम हो जाएगा फिर ढूंढेगा वीहू, चल अभी काम कर ले मामा यार, वो करियो चाट 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 चाक मुंडी घुमाना सीख गया है बार बार, जब भी अभी तो चलो फील नहीं पा रहा बट जैसे ही होता है ना यूं गर्दन नीचे करके करेगा अभी, हम करेंगे चाक। और देखना ये आप लोग बोलते हो ना यार मामे के साथ बोझा लगा हुआ है, वो ऐसे ही नहीं है, इससे बहुत मार खाता हूँ दिन में, दिखाऊं एक चीज करके दिखाता हूँ, मार बिहान अब मारेगा मेरे सुन मार
देख लो, और फिर मैं पीछे जाके गिरता हूँ, फिर ये हंसता है देखना। ध्यान इस वजह से है गाइस प्यार, देखना ये इसका मामे का प्यार इसलिए है, इससे मार खाता हूँ दिन में 10 बार। बीहू तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी, खरगोश डकी 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 डकी। बीहू अभी एक बार ना पापा ने जूस निकाल दिया डेली सुबह, मतलब गाजर वगैरह ले आते हैं और गाजर का जूस घर पे ही निकाल लेते हैं, तो अभी जूस पी लेते हैं एक बार। उसके बाद मुझे एक बार काम जाना है, ये सामान लेके आना है, उन्होंने मिस्त्रियों ने बताया अभी बाहर का लेवल बनाने के लिए ना ऑलमोस्ट 500 ईंटें लगेंगी और बाकी ग्रिल्स वगैरह लगेंगी, वो भी ग्रिल्स का यार मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कलर की लगाऊं या फिर क्रोम, दोनों में से देखते हैं कौन सी अच्छी लगेगी वो टाइल्स से मैच करके। चलो वो भी देखते हैं एक बार, जूस पी लेता हूँ। पापा ने यार जूस में ना अदरक डाल रखा है तो वो गले में लग रहा है, वैसे तो फायदेमंद है लेकिन थोड़ा सा ना कच्चा सा अपन जो होता है ना वो सब्जी में तो चलो यार पक जाता है, चाय में भी उबल जाता है, बट इसमें थोड़ा कच्चा कच्चा सा गले में लग रहा है, व्यूहान भी नहीं पी पा रहा। हाँ जी, इस रैम पे क्या लगाइएगा? रैम पे मैं वही सोच रहा हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, या तो जैसे आजकल वो ईंटें चल रही हैं देखो आप, वो नहीं यहाँ देखो जो वो लगा रखी है ना वो टुकड़ी जो ब्लॉक वाली बोलते हैं ना शायद, ब्लॉक वाली है हाँ, तो वो ठीक रहेगा या दूसरा कुछ और? उसमें मेरे को लगता है वो दस नहीं जाएगी मिट्टी में, मतलब बारिश वारिश हुई तो उसका, इसके लिए कुटना पड़ेगा अच्छा से। अच्छा ठीक है, फिर मैं डिजाइन देखाता हूँ या तो कोई डिजाइन विजाइन देख के, तो फिर तो यही कलर देख लूंगा इसमें। फर्स्ट वाला टाइल पड़ा हुआ है हाँ, ये वाला ब्राउन वाला ना, ये दोनों पड़ा हुआ है हाँ हाँ हाँ, ये सामने वाली, ये वाली भी, वो वाली, तो यही वाली कर दो या तो अगर ऐसा ही कुछ हो जाए तो। और सोनी दिखेगी बढ़िया लगेगी। अब सब यहाँ देखो हाँ, ये जो आ रही है मेरी हाँ हाँ हाँ, ये चार टाइल जाएगी ऐसे आपको हाँ ठीक है, हो जाएगा उतने में जितनी पड़ी हैं। नीली वाला चेक वाला हो जाएगा, बढ़िया होगा क्योंकि इससे पता है झाड़ू वाड़ू लगाने में भी आसान होएगा, वो वाली साफ नहीं होती पहले माल भर के पूरा ताकि टाइल धसे ना, और ये ही वाली चलने देना, ये जो चेक है ना कमी पड़ती है तो मैं और ले आऊंगा, ये ही फिर सही है हाँ, क्योंकि ना वो जो जो कौन सी ब्लॉक वाली बोलते हैं ना, ब्लॉक वाली है उसमें झाड़ू वाड़ू नहीं लगता आसानी से, फंस जाएगी है ना, हाँ हाँ हाँ, मिट्टी भरना पड़ेगा। ठीक है फिर आप यही आने दो, यहीं तक चेक ही आने देना जैसे, ठीक है। चलो अब ये शुरू हो चुका है पार्क का, इन्होंने ये लेवल थोड़ा सा यहाँ पे ना इट्टे लग के थोड़ा हाइट ऊंची होएगी, बाउंड्री बन जाएगी सीमेंटेड, और टाइल का बता रहे हैं टाइल वही जो अंदर चल रही है ना वही यहाँ तक ले आएंगे रैंप तक, और वहाँ से भी ऐसे ही होएगा, मतलब बढ़िया लगेगा ओवरऑल। फिर बीच में ना ये गमले वमले हैं ये भी लगा देंगे, 10 कट्टे रहती है ठीक है, 4 कट्टे सीमेंट, 4 कट्टे सीमेंट और क्या कहते हैं 500 ईंट बस। तो सामान लेके आना है क्योंकि काम होल्ड पे चला गया, उसकी वजह से ईंटे वगैरह ऑर्डर दे आते हैं और टाइलें भी लेके आनी है। मेरे को हेयर कटिंग भी करवानी थी, बाल बाल कटवाने लायक हो रहे हैं, बीच में बीमार पड़ गया था, अभी पहले से ठीक हूँ, लेकिन यार कटिंग का पता है क्या है, यहाँ मेरे को ना आजकल कटिंग करवाने में मजा आ रहा है गुड़गांव जाके, वहाँ पे जो है ना मतलब जिससे मैं हेयर कट करवाता हूँ उसकी सेटिंग सही बैठती है, बढ़िया हेयर कट करता है, यहाँ वाले यार अब सेट से नहीं बैठते, तो देखता हूँ अभी जल्दी चक्कर लगता है ना जब भी नेक्स्ट तो गुड़गांव जाऊँगा हेयर कट करवाने। देख सकते हैं वो इस पे सीमेंट नहीं, सीमेंट भी है ईंटे भी हैं सब है, वो देखो पड़ी है सीमेंट, सारा कुछ ही मिल जाएगा। सीमेंट चाहिए था 4 कट्टे सीमेंट और 10 कट्टे रेती चाहिए थी और 500 ईंटें, ठीक है जी, आप यहाँ भिजवा दोगे पास में सोसाइटी है? हाँ, है कितनी देर में भिजवा दोगे भैया? 6 घंटे बाद सर। ठीक है, और कितने हो गए इसकी पेमेंट बताना? 5400 रुपये। गूगल पे हो जाएगा आपके पास? ठीक है, मैं भी कर दूँगा। पेमेंट भी हो गया, रेती और ईंटे वगैरह भी, अब चलते हैं एक बार, थोड़ा टाइल्स वगैरह भी और लेनी है, वहाँ चलते हैं टाइल्स ले लेते हैं। गए हैं ATM पे, मतलब थोड़ा कैश वैश निकलवाना है, कुछ जरूरत पड़ रही है, कुछ और भी सामान लेना है, अभी मेरे पास भी कम पड़ रहे थे मतलब, तो अब एक बार पापा निकलवा लेते हैं टाइल्स। हाँ टाइल्स तो यहीं से लेनी है, निकलवा ले अभी जाते हुए ले लेते हैं, फिर वहाँ से दूसरी साइड से ही निकल लेंगे। भैया वो ग्रे वाली पेटी कर देना 6, ठीक है वही वाली 6 कर देना, अगर बच गई तो वापस कर जाऊँगा। टाइल वगैरह ले ली हैं अभी, एक्स्ट्रा ले लिया मतलब 6 ले लिया, जितनी लगेंगी ठीक है, अदरवाइज बाकी जो होंगी वो वापस करवा देंगे। अभी एक बार बैंक में जा रहे हैं, बैंक में थोड़ा सा काम है। बैंक का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था यार, जितना एडवांस हो रही है ना एप्लीकेशंस उतना ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और पापा वेट कर रहे हैं, गुस्सा करेंगे, अब देखना बाहर वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। जिस गली से हम आ रहे थे ना वहाँ गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली, बट वहाँ पे देखता हूँ अभी 2-3 अंकल थे,
जो काफी ओल्ड एज के लग रहे थे, मतलब शायद जरूरतमंद लग रहे थे, उनके पास खेसी थी, तो उनको ना कंबल भी बांट देता हूँ। अब चक्कर तो लग ही रहा है यार, ऐसे ही बटने शुरू होंगे यार, स्पेशली क्योंकि अभी रात को निकल नहीं पा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ जो भी दिखेगा उनको देते रहेंगे। अभी लो मैं यहाँ आया था पैदल अभी देने, और देखना इनकी हालत, मुझे नहीं लगता ये डिजर्व करते हैं। यहाँ पे अभी देखना इनका सामान यहाँ पड़ा है, और मैं इनको देने आया था, लेकिन ये लड़ रहे हैं। अंकल यहाँ आसपास के लोगों ने बताया इनको मत दो, ये नशे वशे कर रहे हैं, और देखना बीप, नशे कर रखे हैं शायद, तो यहाँ ठीक नहीं है इनको देना। बीप, लड़ना नहीं है, है? अंकल है? आराम से पीछे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, ठीक है? नहीं मेरे घर टक्कर है। कोई नहीं, टक्कर टुकर को नहीं। दारू भी रखी है क्या अंकल? हाँ फुल है। कंबल बांटने आया था मैं यहाँ, फुल है। कंबल देने आया था, कंबल चाहिए? हाँ कंबल चाहिए। दारू तो पी रखी है था हमने, कंबल चाहिए। चलो चलो छोटा, ये लायक ही नहीं है, भाई है, समझ गया, नशे कर रखे हैं। कोई नहीं, ऐसे को देने का फायदा नहीं, लो आप ले लो, ठंड से बच के रहना है। ये हाल है, मतलब अब अपन किसी को, किसी के लिए कुछ चैरिटी भी करने की सोचे ना। मैं अभी जाते हुए मैंने देखा था इन अंकल को, मुझे लगा कि शायद बहुत जरूरत होगी, इनको दे देते हैं भाई, ठंड में थे, लेकिन ये नहीं पता था यार, दारू पी के नशे कर रखे हैं। वहाँ के आसपास वाले लोगों ने बताया कि सर इनको देने का कोई फायदा नहीं है, आपस में ही पीट रहे हैं एक दूसरे को, इतने नशे कर रखे हैं। तो यार सही में मन सा उठ गया। वहाँ पे एक बंदा बैठा था, वो लगा थोड़ा ठीक सा, उसने मांगा कि भैया मुझे दे दो, ठीक है ठंड से बचेगा यार, कुछ काम ही आएगा, तो उसको एक दे दिया। अब आगे देखता हूँ, कहीं ऐसी जगह देखूंगा यार कहीं जहाँ सच में जरूरत है, ऐसे यार मन नहीं करता यार। फिर कुछ नहीं किया यार अभी तो, शायद देखते हैं। बस पहुंच चुके हैं घर पे, पापा उतर चुके हैं, अभी मैं टाइल्स वगैरह है ना वो भैया से उतरवा देता हूं, और काम शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में ना। वो गाड़ी भी आ रही है, ट्रैक्टर पहुंचने वाला है जिसमें क्रेशर सीमेंट वगैरह आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आज पार्क का काम शुरू हो जाएगा, और कल आपको फाइनल मेकओवर भी दिखा दूंगा। और बोलो, अभी इतना काम हुआ है, अब माल आ जाएगा, ये भर दिया। अच्छा चलो टाइलें देख लो, यहाँ पे भी जो जो रहता है ना वो पूरा फिल कर दिया, बाद में फिनिशिंग हो जाएगी। इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देता हूँ यार, थोड़ी देर जाके सोने का मन कर रहा है काफी, मतलब थोड़ा सा अभी रिकवरी हुई नहीं है अच्छे से, कोल्ड 3-4 दिन लेता है, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।